तो अभी मैं ना उस पॉइंट पे आया हूँ जिस जगह लेक जो है चाइना में मुड़ जाती है। आठ नौ साल पर लग चुके हैं घट के। सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई लोग, कल हम लोग पैंगोंग पहुंच गए थे, तो वो भी जर्नी बहुत अच्छी थी। अपना हुंदर से दुर्बुक और दुर्बुक से पैंगोंग करते हुए हम लोग ये पैंगोंग पहुंचे थे। जो वो रास्ते थे बहुत ही अमेजिंग, ज़बरदस्त जिसे कहते हैं वो रास्ते थे, मज़ा आ गया ड्राइव करके। तो कल मैं पहुंचा जब पैंगोंग, तो पैंगोंग की हिस्ट्री बताऊँ तो भाई लोग, यहाँ पर सेल्फ कैंपिंग की ऑप्शन बहुत कम है, क्योंकि सेल्फ कैंपिंग का भी यहाँ पे करने नहीं देते हैं ये लोग। तो जब इनको लोग, जब आप लोगों ने मान लो कि सेल्फ कैंपिंग यहाँ लगा ली ना कहीं भी, तो अगर इनको पता लग गया यहाँ जो आर्मी नेवी में घूम रही है पैंगोंग लेक में बोट पे, जो अपना सारी दस्त लगाते हैं, अगर उनको पता चल गया तो वो आप लोगों का टेंट उठा देंगे। बस यहाँ पे एक दिक्कत की समझ नहीं आई कि 10 बजे के करीब में, मतलब जो यहाँ पे कॉटेज बने हुए हैं ना, सबको बोला गया कि अपनी जो लाइटें हैं सारी, जितने भी कॉटेज हैं, गेस्ट हाउस जो भी बने हुए हैं, होम स्टे तो आ गए हैं मान विलेज और मेराक में, तो वहाँ का नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ पे लाइटें सारी बंद कर देनी है 10 बजे। तो आप लोगों को यहाँ लाइट नहीं मिलने वाली। नेटवर्क जो है एयरटेल का आता है, अगर पैंगोंग क्रॉस करके आप लोग मान विलेज की साइड चलोगे तो वहाँ से मान लो कि पैंगोंग क्रॉस करते ही 2 किलोमीटर तक नेटवर्क आएगा, आगे नेटवर्क बंद हो जाएगा। अपने पास भाई लोग BSNL और जियो पोस्टपेड, ये रखो, ये चलते हैं हर जगह चलते हैं। ये दुर्बुक के रास्ते में भी बिल्कुल नेटवर्क है, बीच बीच में वहाँ जियो चल रहा था और एयरटेल नहीं चलता है, तो एयरटेल अपने पास मत ही रखना, बहुत पछताओगे नहीं तो। क्योंकि कई बार होता है कि कोई गाड़ी दिक्कत कर गई, कुछ हो गया, तो फिर आप लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं पैंगोंग का नज़ारा दिखाऊंगा आप लोगों सुबह का, हाँ टाइम अभी हो रहा है 7:30 बज गए हैं, तो धूप एकदम क्रिस्पी निकली हुई है, तो हवा जो है ना इतनी तेज़ थी, रात बड़ी ज़बरदस्त निकली है अपनी यहाँ पे। तो होटल लिया था 1500 में 2 बंदों का, तो बहुत ही अच्छा कॉटेज था, बुखारी वगैरह लगी हुई थी, हीटर भी मिल गया था हम लोगों को। बंद कर देते हैं इसको, अगर लाइट आ गई ना तो फिर चलता रहेगा। पैंगोंग के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, हवा चल रही है फुल तेज, भाई पानी की बोतल उठाओ अंदर से, हवा चल रही है फुल तेज। तो सामने वहाँ पे ना इंडियन आर्मी अपना रोड बना रही है, वो पनामिक वहाँ से पड़ता है, जो गांव पनामिक से अपना वहाँ तक आवाज़ आ रही थी, पनामिक गांव से अपना वहाँ रास्ता कट रहा है, क्योंकि है कि आने वाले टाइम में वहाँ तक सब नहीं आ पाएगा। तो देखेंगे जब वो भी खुलेगा रास्ता, दूसरी साइड उस साइड से बाहर क्रॉस करके चाइना की पोस्ट है, तो लेकिन जो नज़ारे हैं ना बहुत खूबसूरत है, रात को पूरा सुनसान रहता है। ये था अपना पूरा कॉटेज, तो सोचा है ना अपना रूम था, तो पहले गाड़ी में ना एक क्लोथ रख दें जो हमने पकड़ रखे हैं, फिर आप लोगों को मैं डाइनिंग एरिया में दिखाता हूँ उनका। तो ये डाइनिंग एरिया सारा, उड़ गए आप, बढ़िया नींद मस्त। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके तो अपना हो गया सब कुछ डन, तो अभी ना हम लोग निकलते हैं, चुशुल आएगा पहले रास्ते पे, चुशुल चल के डिसाइड होगा कि किस साइड का हम लोग जाना है। पहले गाड़ी कॉल स्टार्ट करते हैं हम लोग, गाड़ी करते हैं कॉल स्टार्ट, जो कि अभी सुबह से नहीं की, कल रात यहाँ पे जो खुदा 2-3 हीटर दे देते हैं। भाई सेल्फ ले लिया लंबी, आ
अगले महीने से तो वैसे ही स्टार्ट नहीं होगी, अक्टूबर में जाकर आनी है। और ही आएगी आएगी। आ रही आ रही आ रही। बेचारी उठा रही है हल्का सा। आठ नौ साल पर लग चुके हैं गाड़ी के। एक्चुअली ना धूप निकली तो मैंने बोनट भी नहीं खोला सुबह का। ठंडी लगी बहुत ज्यादा लगी है ठंडी, नखरा कर रही है अभी। अच्छा इस मौसम में गाड़ियां करती हैं दिक्कत? ऐसे टेम्परेचर में हमने किया नहीं है। अच्छा वो उन्होंने टेम्पो ड्राइव स्टार्ट की थी एक बार ओके हमने नहीं की, तभी कर रही है। पहले वही गलती होगी, रात में स्टार्ट नहीं की ना आगे, तो अभी उसी चीज़ का चक्कर बढ़ रहा है। अब जब तक सेल्फ लग लग के गाड़ी थोड़ा सा बूम अपनी होगी तब तक वो स्टार्ट नहीं होगी। आएगी आएगी आएगी। ऐसी कंडीशन में क्या आता है कि रेस भी नहीं देनी होती, इन तो इंजेक्टर काम छोड़ जाएंगे। देखो इंजेक्टर नॉकिंग कैसे करे। आ गई। ये आप सिस्टम बनाया? ये बम्पर लोग लगा रखे हैं हमने। अच्छा बनाया ये तो। हाँ ये सीख लिया। हाँ। गाड़ी तो अपनी होगी स्टार्ट, क्योंकि धूप भी साइड पे आई नहीं थी ना, हम लोगों ने अंदर की साइड पार करके लगा दी थी। ये भैया यहाँ के मैनेजर। जी सर। अपने बारे में पहले बताओ, क्लोजअप छोड़ लेंगे आपका। अच्छा मैं पेंगोंग नोडलिंग कोजी कॉटेज का मैनेजर हूँ। हाँ। और हमारा भाई लोग आए, इंजॉय किया हम लोग ने बहुत मस्त। ठंडी भी काफ़ी बढ़ गया अभी। हाँ। क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है। तो ये बंद कब होता है मतलब सारा? ये सितंबर 15-20 के बाद स्टार्ट है पूरा। स्नोफॉल भी हुआ? स्नोफॉल 19 को हुआ था। अच्छा। अभी थोड़ा रुक गया हुआ है। 19 को ही है? हाँ 19 को यहीं पे हुआ था। अच्छा, अच्छा। और फिर अक्टूबर 1-2 तारीख के बाद एकदम तो टूरिस्ट होगा। आता है विंटर में जब यहाँ स्नो होती है? टूरिस्ट आते हैं, कोई जो चादर ट्रैक बोलता है ना, बर्फ में खेलने के लिए। पेंगोंग लेक भी जम जाती है? पूरा ये झील पूरा जम जाता है, पूरी झील जम जाती है ना सारी। ऊपर बाइक लेके स्कूटी वगैरह खेलता है वहाँ पे। अच्छा। नवंबर दिसंबर में तो, दिसंबर 25-26 को तो ट्रैक्टर भी पार जाता है उस साइड पे। वो साइड जाना आना करते है आर्मी वाले। हाँ जी आर्मी वाला ऐसा है जी। ओके भाई लोग, ट्रैक्टर भी आर्मी, फिर ये नहीं की घूम के जाना सीधा छोड़ कर। होगा गाड़ियाँ वगैरह भी चल जाती है ना, इतनी मोटी मतलब परत जम जाती है झील की। ये साल जो अप्रैल 22 को पूरा मेल्टेड हो गया ये बर्फ ना, उससे पहले तो ये रास्ता मुझे बताओ कि खुलता कब है ये? पूरा सर्दी में भी खुला रहता है, विंटर में भी खुला रहता है। टूरिस्ट नहीं जब अपनी गाड़ी लेके आ जाए, मगर उसमें जो अपना गाड़ी है ना उसमें चेन डाल के टूरिस्ट आ सकता है। हाँ वन वे सिर्फ आना, एक दिन और एक दिन जाना। वन वे खुला होता है उन्होंने कि एक तरफ सिर्फ ट्रैफिक जाना है, एक दिन आना बस, ताकि जाम ना लगे। हाँ जी हाँ जी, बर्फ का वास्ते से। ओके ओके ओके। जो चंगला टॉप में ज्यादा बर्फ गिरता है ना, इसके वास्ते से। तो अब अपना एक बार मोबाइल नंबर बता दो। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 8492-830-640। तो भाई लोग एक बार रुकना जरूर, हमें तो बहुत अच्छा लगा रहा है यहाँ पे रुक के ना, मज़ा आ गया। फोटो ही तो बहुत फोटो आते हैं। थैंक यू सर। बढ़िया, गर्म पानी सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। ओके सर। ओके ओके जी ओके। मौक दे रही है BS4 गाड़ियों का ना, यही बस थोड़ा सा होता है कि हाई अल्टीट्यूड में इनका ये चक्कर हो जाता है, ठंडी में, ठंड ठंड में जब गाड़ी पूरा अपना टेम्परेचर पे हीट पे आ जाएगी फिर नहीं ऐसा करेगी। तो बस 15 मिनट गाड़ी को देते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। हारा भाई।
तो यहाँ से हम लोग पहले निकलते हैं आगे पैंगोंग के लेक के साथ साथ, मान मिराक करके विलेज आएगा वो क्रॉस करते हुए हम लोग चलेंगे आगे, चुशुल आएगा फिर पांगमिक करके, उसके बाद आएगा चुशुल। ओके बड़े भाई जी, तो ये था सारे पैंगोंग को लेके कॉटेजेस। भाई यहाँ पे कॉटेजेस बहुत कॉस्टली हैं अगर सीजन में आते हो, ऑफ सीजन में फिर भी बार्गेनिंग हो जाती है, सीजन में नहीं होने वाली। यहाँ से लेफ्ट सीधा मेन रोड पे ऊपर, अभी सीधा आएगा मान मिराक। लेफ्ट साइड पे अपने पैंगोंग लेक, क्या एक गजब लग रही है, सुबह के नजारे अलग है यहाँ के। तो भाई लोग ये आ गया स्पांगमिक विलेज, यहाँ भी काफ़ी कॉटेजेस ना बने हुए हैं, अगर लेक से आगे आकर आप लोगों ने इन्जॉयमेंट करनी है तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि आप लोग लेक के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हो, सामने ऐसा लग रहा है ना कोई दूसरी दुनिया में गाड़ी चल रही हो अपनी। यहाँ से देखो क्या ही सीन है, अपने इंडिया की सबसे इकलौती लेक पैंगोंग लेक, सबसे खूबसूरत है, जो कि 30% हिस्सा अपने पास है, 70% हिस्सा चाइना में है, सबसे बड़ी लेक उनके पास है, वो चढ़ाई में ज्यादा है कहते हैं। अगर आर्मी ना बैठी हो तो फिर 100% ही उनके पास हो, लड़ाई है सियाचिन बॉर्डर पे 1962 में जो लड़ाई हुई थी। तो हम लोग ना देखते हैं कोई नीचे जाने का रास्ता, जो कि अभी नहीं मिल रहा, रेत रेत में से मिल रहा है तो गाड़ी फिर फंस जाएगी अपनी, जैसे हुंदर में फंसी थी। मान विलेज है यहाँ से 3-4 किलोमीटर, सामने दिख रहा है मान विलेज। तो अभी अपन क्या करेंगे कि यहाँ से जा रहा है एक रास्ता, वो देखते हैं कहाँ तक जाता है, बस रेत ना मिले यार, रेत में गाड़ी ना बैठ जाती है नीचे, यहाँ की रेत ही ऐसी है। यहीं से डालूँ? हाँ हाँ, तो और कहाँ से रास्ते हैं, करूँ करूँ नीचे देखते हैं, अगर लगा कि हाँ कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है फिर गाड़ी रिटर्न ले लेंगे, रिस्क नहीं लेना। है तो पत्थर ही हैं। यस यस यस, सही जा रहे हैं, सामने आ गई पैंगोंग लेक, जिसके कलर जाए ना, मतलब स्काई के कारण होता है ये सारा सिस्टम इसका। तो तीन दो कलर आ रहे हैं इस टाइम पे, ग्रीन और ब्लू, है ना भाई, ग्रीन और ब्लू, तो लाइट ग्रीन। अभी हम लोग आ गए हैं पूरा लेक के पास, लेक के पास आ गए हम लोग। वाह जी वाह। तो भाई लोग देखो
साल्टेड वाटर पता कैसे पता चला, देखो झाग बन रही है ना, ये होता है साल्टेड वाटर, देखो पूरा पैरों में आ रहा है पूरा। आज आगे हम लोग देखो यहाँ पे है ग्रीन वाटर, आगे चलते चलते ब्लू दिख रहा है, सारा स्काई का कमाल है और कुछ नहीं है। हेल ये प्लेन पानी है अगर देखा जाए तो, मस्त है भाई, मस्त लहरें बन रही हैं क्योंकि हवा का दबाव ना जो बहुत तेज है यहाँ पे, तो उस वजह से जो लहरें बन रही हैं ना बहुत ही खतरनाक। ये है कि शांत लेक है, ये शांत लेक एकदम शांत लेक है ये, तो मेन जो पेंगोंग लेक है इससे थोड़ा आगे है जाके, काफ़ी जिस साइड से हम लोग आए हैं 8 किलोमीटर लगा लो तो अभी तो बहुत किलोमीटर लेके ये आगे तक है, 20 किलोमीटर कल मैं गया था तो 7 के 7 चल रही थी, उसके आगे हम लोग देखेंगे आज कि कितने किलोमीटर ये लेक चलती है। कहते कि आगे जाके ना ये चाइना में मूव कर जाती है, जब हम लोग चुशुल के आसपास पहुँचेंगे आई थिंक वहीं पर, जैसे भी होगा आप लोगों को अपडेट मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो अभी लेकिन जो यहाँ पे सुकून है ना नेक्स्ट लेवल है, क्या ही मज़ा आ रहा है यार, हवा बहुत चल रही है। तो वह लोग अभी ना ड्रोन शॉट लिया था, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब ड्रोन डिसबैलेंस हो रहा था ऐसे, तो डर लग रहा था, मैंने इस सेट में लेके गया, मतलब जो ले लिए ना आप लोग इंजॉय करना उन ड्रोन शॉट्स को, मज़ा आ गया लेके भाई, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बहुत गजब लग रही है। सामने मिराक मान मिले, सॉरी पहले मान आएगा तो निकलता है फटाफट ना आगे, जो लैंडस्केप्स अच्छे अच्छे दिखेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हुआ चलूँगा, तो चलो चलते हैं। अबे मान ना मान, चलो चुप चलते हैं अपन मेन रास्ते पे दोबारा। की ना मान शॉट लेने के बाद आपके अंदर एक जुनूनियत छुआ जाती है, उसके बाद आप गाड़ी क्यों नहीं धीरे चलाते हैं, अगला बंदा भी बैठा है भाई साहब, माथे में बजा है मेरी प्राची करके। तो यहाँ से अपने को लेना लेफ्ट, तो यहाँ ना आप लोग नीचे आ जाना अच्छे ही, मतलब लेक के पास आप लोग पहुंचे, और कोई भी यहाँ पे है नहीं, तो भाई मैं ये गाड़ी कहीं भी लेके खड़ा हो जाऊँ ना गाड़ी की तारीफ होने स्टार्ट हो जाती है, यो मैन नजर लग रही है नजर के काला मिर्चा लगाने का प्लान कर ले, प्लान बना लेते हैं लोग की, हाँ हम भी अब डस्टर ही लेंगे। तो ये है मान विलेज, ये भी मतलब काफी बड़ा है, 50 से 60 घर होंगे यहाँ पे कॉटेज मिला के, होंगे इतने ना ज्यादा होंगे, मगर जो रहने लायक है वो 50-60 ही है। हाँ जो रहने लायक है, देखिए छोटी छोटी गाय कितनी प्यारी प्यारी, अब हम लोग जा रहे हैं चाइना, मिलेंगे अगले साल, बोल देना घर वालों को अगर उन्होंने हम लोग चूं चूं चा चूं करके छोड़ दिया तो। भाई थोड़ी सी नटंकी बात ज्यादा है, गुस्सा ना करना, सांस में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए कर रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे कैंप लोकेशन की बात करें तो कैंप लोकेशन मान विलेज में भी है, अभी जिस जगह मैंने ड्रोन शॉट आप लोगों ने देखे होंगे वो डाले, तो वहाँ भी आप लोग कर सकते हो, प्लेन है लेकिन अपने रिस्क के ऊपर है यहाँ पे कैंपिंग, तो ऐसे नहीं मतलब कि लोग तंग करेंगे, आर्मी तंग करेगी करेगी, तो रात को अगर कोई आ गया बाई चांस तो फिर आप लोग तंग हो जाओगे आधी रात को, सिक्योरिटी रीजन के कारण। तो हाँ तो मान विलेज से पहले भी काफ़ी लोकेशन आती है, कच्चा रास्ता नीचे को उतरता है मेन रोड से जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं,
तो वहाँ से अगर आप लोग नीचे उतरोगे, प्लेन प्लेन ग्राउंड्स बनी हुई है नीचे पूरी नदी के आसपास, तो वहाँ भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन बस हाँ, रेतीला एरिया ना हो वो देख लेना आप लोग, नहीं तो एक बार गाड़ी फंस गई तो निकालने कोई नहीं आएगा इधर, या तो पैदल जाना पड़ेगा पैंगोंग साइड या किसी विलेज में मान या मिराक जिसके भी आप पास हो गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, पैदल जाने में भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए अपना सेफली कैंप करना। वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि इन लोगों को सेल्फ कैंपिंग की ऑप्शन देनी चाहिए, 500-600 जो भी चार्जेस रखने रख लें, एक ग्राउंड बना दें कि हाँ यहाँ आप लोग कर लो, बस क्लीन एरिया रहना चाहिए कि हाँ कचरा नहीं करना, बस ये है। अभी हम लोग मिराक विलेज क्रॉस कर रहे हैं, ये है मिराक। तो मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि एयर प्रेशर आप लोग ना अपना 28-29 ही रखो, क्योंकि अगर गर्मी लगेगी, टायर चलेंगे, रनिंग में आएंगे, गर्म होएंगे टायर, सब कुछ होगा, एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब रात में ठंड में आप गाड़ी खड़ी करोगे, वो फिर से नॉर्मल जिस जगह आप लोगों ने किया होगा तो उसी जगह पर आ जाएगा 28-29 पे, क्योंकि कई बार क्या होता है गाड़ी चलती है ज़्यादा तो धूप निकली होती है, टायर होते हैं हीट, तो एयर प्रेशर वो 28-29 या 35-36 पे पहुँच जाएगा। हम लोग कहेंगे चलो टायर प्रेशर कम कर देते हैं, लेकिन वो रात को ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये मत करना, टाइम वेस्ट होगा उसमें फिर, क्योंकि रात को कम आएगा फिर सुबह आपको उसे फिल करना पड़ेगा तो दिक्कत होगी उसमें। तो अभी मैं ना उस पॉइंट पर आया हूँ जिस जगह लेक जो है चाइना में मुड़ जाती है, देखो वहाँ आर्मी है, वहाँ जाने देते हैं, बेस कैंप काफ़ी अंदर जाना होता है। वो सामने पॉइंट, वो बीच में पत्थर देख रहे हो जो ये टापू है उसके आगे ऐसे जो घूम रही है लेक, तो वो सामने चाइना के पहाड़ काले काले मेरे हिसाब से वही है। तो वहाँ भी आर्मी पोस्ट हर जगह, मैं बताऊँगा नहीं, वीडियोस में कई बार नहीं बताना चाहिए कहाँ कहाँ पे पोस्ट है, तो वो देखो सामने ज़बरदस्त है, उनके पास बहुत बड़ी लेक है यार, ये नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम लोगों ने जाना है इस रास्ते पे, वो गाड़ी खड़ी है जो उसी रास्ते पे हानले साइड सीधा ही, तो आर्मी बहुत है यहाँ पे, इसलिए कैंप कोई गड़बड़ होगी, कैंप जो करने नहीं दे रहे हैं। इस लेक अपनी मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर होगी अपने पास, बाकी उस साइड पे काफ़ी होगी, क्योंकि अपने पास 30-70% उस साइड पे है, तो वो ज़्यादा लंबी होगी। तो चलो निकलते हैं यार, टाइम हम लोगों ने ले घूमते घूमते ही ना 1 बजा दिया, आज होएगा लगता है अंधेरा तगड़े वाला।